नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली, इस दिन बढ़ने जा रहा है महंगाई भत्ता, सैलरी में होगा बम्बर इजाफा। तो दोस्तों, वो कौन सा दिन है जो खुशखबरी लेकर आएगा कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की? तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की इस बार दशहरे से पहले ही दिवाली मनेगी, उनकी जेब हरी भरी रहेगी। सितंबर के अंत तक उनके अकाउंट में नए महंगाई भत्ते का पैसा क्रेडिट हो जाएगा। यही नहीं, उनकी जेब में दो महीने का डीए एरियर भी आएगा। बस कुछ दिन बाद महंगाई भत्ते को लेकर ऐलान होने जा रहा है, इसकी तारीख भी लगभग तय है। सूत्रों की माने तो महंगाई भत्ते का औपचारिक ऐलान 28 सितंबर को होगा। महंगाई भत्ते का यह तोहफा दुर्गा नवरात्रे में मिलेगा। सितंबर की सैलरी भुगतान में नए डीए जोड़ा जाएगा। अब महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हो जाएगा। दोस्तों, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जून 2022 के आंकड़ों से साफ हो गया था कि महंगाई भत्ते में अच्छा खासा इजाफा होगा। इंडेक्स में कुल 0.2 पॉइंट की तेजी आई और यह 129.2 पर पहुँच गया। कर्मचारियों के महंगाई भत्ता इसी इंडेक्स के आधार पर तय होता है। इंडेक्स दर्शा रहा है कि महंगाई के चलते कर्मचारी के जीवन यापन के लिए कितना डीए बढ़ाना चाहिए। इंडेक्स में आई तेजी से डीए में 4% की वृद्धि तय हो गई है। एक्सपर्ट का दावा है कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। दोस्तों, महंगाई भत्ते में इजाफा सितंबर के महीने में ही होगा। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 38% पर पहुंच जाएगा। नए महंगाई भत्ते का भुगतान सितंबर 2022 की सैलरी में होगा। इसमें 2 महीने जुलाई और अगस्त के एरियर का पैसा भी आएगा। दोस्तों, नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू माना जा रहा है। कुल मिलाकर नवरात्रि के टाइम पर सरकार इसका भुगतान करेगी। इससे कर्मचारी की जेब में अच्छा खासा पैसा आएगा। दोस्तों, 7th पे कमीशन में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर 56,900 रुपये है। 38% के हिसाब से 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर सालाना डीए में कुल इजाफा 6,840 रुपये मिलेगा। कुल 720 रुपये महीने डीए ज़्यादा बढ़कर आएगा। वहीं अगर अधिकतम बेसिक सैलरी ब्रैकेट 56,900 रुपये पर सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 27,312 रुपये मिलेगा। 34% के हिसाब से इस ब्रैकेट वालों को 2,276 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।